अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कंसल्ट डिसाइडेंट बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज से मैं हूं उमर सईद। व्यूज़, आज हम लोग मौजूद है बैरिया ऑर्चर्ड फेस 4 में और आपके साथ शेयर करेंगे कि जो मॉल्स की कंस्ट्रक्शन यहां पे हो रही है, यहां पे ऐसी कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल है जो कि आप आज की डेट में बाइंग करके एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन सकते हैं। व्यूज़, जब भी आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट ऑप्शंस को कंसिडर कर रहे होते हैं, कुछ फैक्टर आप अपने माइंड में रख के अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर और कम टाइम में बेनिफिशियल बना सकते हैं। अगर वन बाय वन उन फैक्टर्स के हवाले से आपके साथ बात करूँ तो नंबर वन है लोकेशन। लोकेशन ही डिसाइड कर रही होती है कि आपके इन्वेस्टमेंट में कितना बेहतर आपको गेन मिल सकता है। इसके अलावा जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको अपने माइंड में रखना चाहिए वो डेवलपर की क्रेडिबिलिटी से रिलेटेड है कि डेवलपर कितने क्रेडिबल है, फास्ट ट्रैक कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो उनकी कमिटमेंट्स हैं वो कैसे फुलफिल कर रहे हैं। इसके अलावा जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्राइसेस, कि जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वहाँ पे प्राइसेस कितनी बेहतर हैं और जिस प्राइस पे आप चीज़ बाई कर रहे हैं वो आपको कितनी वहाँ पे बेनिफिशियल आने वाले वक्त में बना सकती है। इसके अलावा कुछ आप फैक्टर्स अपने माइंड में रखे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो कि इंटरलिंक है, मैंने जैसे गाइड किया आपको अपने प्रीवियस 3 पॉइंट्स के हवाले से, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो इंटरलिंक होती हैं आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हवाले से। अगर बात करें बैरिया ऑर्चर्ड फेस 4 के हवाले से तो बैरिया ऑर्चर्ड फेस 4 इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, लोकेशन के हवाले से और फैसिलिटीज़ के हवाले से बेहतरीन फेज़ है बैरिया ऑर्चर्ड का। और हम जिस मॉल की आज बात करने जा रहे हैं वो है बैरिया स्काई, जहां पे आपको अवेलेबल ऑप्शंस भी गोल्डन लोकेशन के साथ दी जा रही हैं। प्री लॉन्चिंग प्राइस पे आप चीज़ों को फाइनलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा प्राइम है, मेरे बिल्कुल सामने आपको गेट नंबर 4 की अप्रोच मिलती है। जैसे ही आप एंटर होते हैं गेट नंबर 4 से, आपके राइट साइड पे 3 से लेके 5 नंबर के जो प्राइम नंबर G2 के कमर्शियल्स हैं वहाँ पे 7.5 कनाल पे इस मॉल की कंस्ट्रक्शन फास्ट ट्रैक जारी है। ये वेरी फर्स्ट मॉल है जिसकी कंस्ट्रक्शन पहले स्टार्ट की गई है डेवलपर की तरफ से और आपको पेमेंट प्लान बाद में मार्केट में दिया गया है। अगर बात करें मेन बुलेवार्ड के हवाले से तो ये जो आप बुलेवार्ड देख रहे हैं ये 160 फीट वाइड है। इसके अलावा जो आगे आपको रोड मिलती है सर्विस रोड, ये 50 फीट है। इसके अलावा आगे जो आपको पार्किंग दी जा रही है मॉल की वो अगेन 50 फीट है। तो टोटल आपको जो इस मॉल की रोड मिल रही है वो 210 है। 210 फीट वाइड आपको इस मॉल की अप्रोच मिलेगी, फ्रंट मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करें कंस्ट्रक्शन के हवाले से तो इस मॉल की जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है वो तकरीबन 1 मंथ पहले हुई है और इस टाइम तेज़ी के साथ इस मॉल की बेसमेंट की स्टील वर्क का काम जारी है। पोरिंग का काम बेसमेंट की 100% हो चुका है। अगर मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँ तो आपके साथ वो विजुअल शेयर कर सकते हैं। इस टाइम जो फास्ट ट्रैक कंस्ट्रक्शन इस मॉल की जारी है, आप देख सकते हैं कि कॉलम्स जो हैं वो बेसमेंट के बाहर आ गए हैं और तेज़ी के साथ इस टाइम बेसमेंट का काम जारी है। व्यूज़, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि फास्ट ट्रैक कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है बेसमेंट में। और अगर आपसे प्रीवियसली वीडियो शेयर करूँ तकरीबन 4 दिन पहले की, तो यहाँ पर जस्ट पोरिंग का काम हो रहा था, तकरीबन 90% पोरिंग उस टाइम हुई हुई थी और आज देखें तो 100% पोरिंग के साथ यहाँ पे कॉलम्स का काम तेज़ी के साथ हो रहा है। जो बेसमेंट के कॉलम्स हैं वो बाहर आ गए हैं और एज़ पर डेवलपर कमिटमेंट 3 से 4 महीने में ये बेसमेंट का काम 100% कंप्लीट कर देंगे। इसके अलावा इस मॉल की अगर आपको डेड एंड्स के हवाले से गाइड करूँ तो कोई भी इसमें नेगेटिव पॉइंट या बुरी लोकेशन नहीं है। इसके बिल्कुल बैक साइड पे आपको ऑर्चर्ड मॉल फेसिंग शॉप्स मिलेंगी। 60 फीट वाइड मेन बुलेवार्ड आपको इसकी बैक साइड पे मिलेगा। उसके अलावा 50 फीट पार्किंग दी जा रही है, तो एक अच्छी रिलेटिवली पार्किंग स्पेस के साथ आपको इस मॉल की बैक साइड भी दी जा रही है, जहाँ पे आपको अगर वहाँ पे ब्रांड्स आएंगे ऑर्चर्ड मॉल में तो आप यहाँ पे कंपेटिटर्स भी इस मॉल को अप्रोच करेंगे। जो आमने सामने जो कंपटीशन होगा वो एक ज़बरदस्त मॉल के साथ आपको यहाँ पे रेंटल वैल्यूज़ भी इंशाल्लाह मिलेंगी। वैसे अगर आपको गाइड करूँ इस मॉल की एलिवेशन के हवाले से तो एट्रियम स्टाइल आपको इस मॉल की एलिवेशन दी जा रही है। जो एरिया के हवाले से आपको गाइड करूँ तो 7.5 कनाल का इसका टोटल एरिया है। फ्रंट टू 40 फीट वाइड है और डेप्थ जो है इस प्लॉट की वो 140 है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि शानदार एरिया पे इस मॉल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है। और अगर फ्लोर प्लान के हवाले से गाइड करूं तो यहां पे बेसमेंट आपको 100% कार पार्किंग के लिए डेडिकेट किया गया है। ग्राउंड फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फ्लोर पर कमर्शल दिया जा रहा है। फोर्थ फ्लोर से ऑनवर्ड आपको 14th फ्लोर तक रेजिडेंशियल ऑप्शन मिलेंगे जिसमें 1 बेड 2 बेड 3 बेड अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेज ऑफर किए जा रहे हैं डेवलपर की तरफ से। यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि जितने भी मॉल यहाँ पे इस टाइम बन रहे हैं या पहले लॉन्च किए गए हैं जिनकी कंस्ट्रक्शन अभी होनी है, सबसे बेहतर स्क्वेयर फिट रेट आपको इस मॉल का मिलेगा, सबसे बेहतर स्क्वेयर फिट साइज़ आपको इस मॉल का दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें प्री लॉन्चिंग प्राइस पे आप चीज़ों को फाइनलाइज कर सकते हैं। व्यूज़, ये वेरी फर्स्ट मॉल है बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 का जिसमें आपको कंस्ट्रक्शन पहले स्टार्ट देखने को मिली और इसका जो पेमेंट प्लान है वो मार्केट में बाद में आया।
प्री लॉन्चिंग प्राइस पर रहते हुए आप चीज़ों को फाइनलाइज कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट पे इनका प्लान है 4 साल का, आप 20% डाउन पेमेंट के साथ बाकी आप इंस्टॉलमेंट पे 4 साल की अपने कमर्शियल यूनिट को बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा गोल्डन लोकेशन इस मॉल की अवेलेबल हैं जो कि आप फाइनलाइज करके आने वाले वक्त पे एक बेहतरीन रेंटल वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। विजिट अगर आपको गाइड करूँ इसकी पर स्क्वायर फीट रेट के हवाले से, तो ग्राउंड फ्लोर पे आपको डेवलपर की तरफ से 30,000 पर स्क्वायर फीट रेट ऑफर किया जा रहा है। मिनिमम शॉप की अवेलेबिलिटी अगर आपके साथ शेयर करूँ तो 78 लाख में जस्ट आपको यहाँ पे शॉप दी जा रही है। फर्स्ट फ्लोर के हवाले से अगर आपको गाइड करूँ तो फर्स्ट फ्लोर पे आपको 21,500 पर स्क्वायर फीट दिया जा रहा है। यहाँ पे जो आपको स्क्वायर फीट साइज मिलता है वो भी रीजनेबली बेहतर मिलेगा। इसके अलावा सेकंड फ्लोर पे जो आपको पर स्क्वायर फीट रेट दिया जा रहा है वो 18,000 पर स्क्वायर फीट रेट है। बैरिया ऑर्चर्ड फेस 4 की जो मार्केट है कमर्शियल हब की, इसमें सबसे रीजनेबल प्राइसेस और रीजनेबल स्क्वायर फीट साइज आपको इस मॉल में देखने को मिलेंगे। पर स्क्वायर फीट रेट आपको अगर अपार्टमेंट के हवाले से शेयर करूँ तो यहाँ पे 12,500 डेवलपर की तरफ से प्री लॉन्चिंग प्राइस पर रखा गया है। अगर आपको इस मॉल की अट्रैक्शन के हवाले से गाइड करूँ तो यहाँ पे आपको वेरी फर्स्ट टाइम जो है फूड कोर्ट एरिया सेलेबल दिया जा रहा है, जो कि आप डिफरेंट फूड चेन्स को एक अच्छे रेंटल के हवाले से भी कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा बिल्कुल फूड कोर्ट के सामने आपको किड्स प्ले एरिया भी दिया जा रहा है, जो कि रिलेटिवली सबसे ज़्यादा फुटफॉल आपको वहाँ पे बेहतर जनरेट होगा। आप वहाँ पे एक नियर बाय अच्छी शॉप रीजनेबल प्राइस में रहके एक बेहतरीन रेंटल वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। राइट नाउ अगर बात करें जितने भी मॉल्स यहाँ पे बन रहे हैं, तो टॉप जो लोकेशंस रीजनेबल प्राइसेस के साथ जिस मॉल में मिलती हैं वो बैरिया स्काई है। टाइमली कंसीडर करके आप चीज़ों को फाइनलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है, पेमेंट प्लान के हवाले से जानना चाह रहे हैं, तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह CDB प्रॉपर्टीज़ बैरिया स्काई के ऑथराइज डीलर्स हैं। हमसे आपको 100% आफ्टर सेल सर्विसेज भी बेहतरीन मिलेगी और आपको थ्रू आउट आपकी प्रोसीजर के हवाले से भी आपको गाइड किया जाएगा। अगर आपके उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, पेमेंट प्लान के हवाले से जानना चाह रहे हैं, फ्लोर प्लान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो दिए गए नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0333-111-5700। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।